पॉइंट ऐसा होता है जिस पे आप सुबह से शाम तक मोटी मोटी किताब पढ़ेंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा लास्ट में एक दो क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जवाब इसमें, इस क्वेश्चन का जवाब इसमें आप दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन आज के वीडियो में, और ये ऐसा टॉपिक है जिससे जुड़ा सवाल हमेशा आपसे किसी न किसी एग्जाम में जरूर होगा। अगर आज के वीडियो में थोड़ा देर आप धैर्य सब्र के साथ इस टॉपिक पे होने वाले डिस्कशन को सुन लेंगे, तो मैंने पूरे चैप्टर को 5 से 6-7 मिनट में समेटने की कोशिश किया है। ये 5 से 7 मिनट का छोटा सा वीडियो पूरा जीवन जो आप पढ़ेंगे इस टॉपिक पे सब पे भारी पड़ेगा। जिंदगी में आपको दोबारा इस टॉपिक पे आज का डिस्कशन सुनने के बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी लड़की है, उसका इस टॉपिक पे इतना अच्छा उसने स्टडी किया है, इतना अच्छा नॉलेज है कि एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से वो क्लियर करेगी, डिस्कशन होगा उसके साथ। और सुनिएगा, पढ़ करके आप भूल सकते हैं, पढ़ी हुई चीज को भूल जाते हैं हम लोग, हर कोई हर किसी का होता है, लेकिन सुनी चीज को हम लोग जल्दी नहीं भूलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं बताइए तो जरा सा। 5 5 सबका नाम याद है? हाँ। बताइए तो काइंड्स ऑफ नाउन पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। अच्छा, दूसरा? कॉमन नाउन। तीसरा? कलेक्टिव नाउन। चौथा? मटेरियल नाउन। पांचवा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए पहले तो आप लोगों से सवाल करेंगे कि आप इनमें से सबकी स्पेलिंग सही सही जानते हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल इस बच्ची से करेंगे कि आप कलेक्टिव की स्पेलिंग बताइए तो जरा। COLLECTIVE कलेक्टिव। सही है, बिल्कुल सही है। प्रॉपर नाउन के बारे में आप थोड़ा बताइए तो। किसी स्थान या वस्तु या कोई चीज के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, मतलब किसी के खास नाम को, कोई खास नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, चाहे आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, चाहे कोई चीज का नाम। अच्छा ठीक है, तो वस्तु का नाम हो, मान लीजिए अब मेरा नाम आपको पता है, मेरा क्या नाम है? अच्छा, जोर से बोलिए सब लोग सुने। अहमद हुसैन मेरा नाम है। ये कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है, अभी तो मैंने कहा। अच्छा, दिल्ली और पटना में दोनों में कौन प्रॉपर नाउन है? दोनों प्रॉपर नाउन है। दोनों कैसे प्रॉपर नाउन होगा? दिल्ली तो दिल्ली है, पटना पटना है, कोई एक ही ना प्रॉपर नाउन होगा? दोनों खास नाम है ना। अच्छा, दोनों खास नाम है, तो पता चला कि ये भी नाम है, जगह का नाम है लेकिन नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। अच्छा, एक आदमी के पास घोड़ा है, उसका नाम है चेतक, तो ये कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, ये प्रॉपर नाउन है, मतलब ये कि जितना नाम है वो सब प्रॉपर नाउन होगा, चाहे आदमी का नाम हो या जानवर का नाम हो या जगह का नाम हो या नदी का नाम हो, है ना। अच्छा चलिए, ये तो हो गया क्लियर कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो नाम किसी चीज का हो या आदमी का हो, प्रॉपर नाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब है कॉमन नाउन, थोड़ा कॉमन नाउन के बारे में बताइएगा कि कॉमन नाउन किसको बोलते हैं। जैसे एक मिनट, ये टेबल है, तो ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? ये कॉमन नाउन है। ये पेन है, ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। अच्छा, ये कॉमन नाउन है। अच्छा, जैसे एक वर्ड है हॉर्स, हॉर्स है, ये कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। अच्छा, ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अच्छा, पूरी जाति का बोध होता है तो श्रेणी का बोध होता है तो उसको मतलब कॉमन नाउन कहते हैं। अच्छा, वो जो चेयर है वो कौन नाउन है? वो कॉमन नाउन है, वो भी कॉमन नाउन है। अच्छा ठीक है, अब है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में बात कर रहे हैं, देखिएगा ये भी थोड़ा सा समझने की चीज है, कलेक्टिव नाउन में हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कलेक्टिव नाउन का एक एग्जांपल आप दीजिए।
मैं दो दूंगी। दो एग्जांपल दोगी? मैंने कहा कि एक एग्जांपल दिए, इन्होंने कहा मैं दो एग्जांपल दूंगी। बताइए। पहला टीम, दूसरा फैमिली। पहला टीम, दूसरा फैमिली। मतलब पहला हो गया ये क्या कलेक्ट्रॉन का एग्जांपल हो गया, थोड़ा हट गया ये टीम और फैमिली। तो ये टीम और फैमिली दो एग्जांपल में दिया कि कलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है टीम और फैमिली। अच्छा टीम और फैमिली ये क्यों है कलेक्ट्रॉन, समझाएंगे जरा और कुछ बोलिएगा इस पे। क्योंकि टीम भी एक समूह है और यहां पे फैमिली भी एक समूह है। अगर टीम भी एक समूह है और फैमिली भी एक समूह है, ठीक है, तो मतलब समूह को क्या करते हैं जो करेक्ट नाउन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। मैट्रियल नाउन, मैट्रियल नाउन का बस ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आप सिर्फ दो एग्जांपल दीजिए। ठीक है, एक वीट, दूसरा राइस। एक वीट, वीट माने क्या होता है गेहूं, दूसरा राइस। अच्छा राइस, दो एग्जांपल आपने याद कर लिया है। अगर हम कहें अपनी तरफ से जैसे दाल, दाल कौन सा नाउन है? पल्स। हाँ, पल्स मटेरियल नाउन। अच्छा ये भी मटेरियल नाउन है। अच्छा अगर कहें आपको घी, घी कौन सा नाउन है? ये भी मटेरियल नाउन है। अच्छा दूध, मिल्क भी मटेरियल। अच्छा मिल्क भी मटेरियल नाउन है, चलिए ठीक है। अब हमारा बच गया एक लास्ट क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप ठीक से सुनिएगा। ये ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मामला है कि आपके सामने इसका आंसर रख दिया जाएगा और आप नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है, तो इसको जरा अच्छे से समझिएगा। बताए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कुछ बोलिए जरा समझा करके बोलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जिसे हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा जिसे क्या छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज जिसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही है ना। इसका एक एग्जांपल दीजिए। मैं दो दे रही हूँ उसका भी। दो दीजिए। काइंडनेस, गुडनेस, एक और दे देती हूँ। दे दीजिए। ऑनेस्टी। अच्छा काइंडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, तो काइंडनेस को भी हम नहीं देख सकते हैं, गुडनेस को भी नहीं देख सकते हैं, ऑनेस्टी को भी नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसको आप समझ ले कि ऑनेस्टी माने हो गया क्या, ईमानदारी, ईमानदारी को तो हम देख नहीं सकते हैं। अच्छा एक मैं अपनी तरफ से बोल दूं, जैसे खुशबू, ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अभी तो मैंने बताया। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट, ये परफ्यूम यानी खुशबू है ना, खुशबू भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ठीक है, आपने जो बताया हमको काइंडनेस ऑफ नॉट पे जानकारी दिया, मैं चाहता हूँ कि इससे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं फायदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी जानकारी दें। ऐसा नहीं कि अपने सीख लिया हो गया, ये नॉलेज बांटने की चीज है। तो आज के वीडियो में समझता हूँ जो कुछ मैंने बताया है, डिस्कशन किया है, इससे लोगों को फायदा होगा, हमारे व्यूअर्स के, स्टूडेंट्स को फायदा होगा। चलिए आज के वीडियो को, बातचीत को, डिस्कशन को यहीं पे समापन देते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन धन्यवाद थैंक यू करने से पहले मैं कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के चुपचाप बैठ जाइएगा।